इसराइल और हमास के बीच युद्ध की भयानक स्थिति बनी हुई है। ऐसे में वहां पर करीब 15,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक हैं, जिनकी चिंता लगातार बनी हुई है। लेकिन इस कड़ी में भारत सरकार के बड़े फैसले ने वहां पर फंसे भारतीय नागरिकों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय चलाया और इस कड़ी में छात्रों, परिवारों और बच्चों सहित 212 लोगों के पहले बैच को इसराइल से निकाला गया और सुरक्षित रूप से दिल्ली लाया गया है। विमान के अंदर छात्र भारत माता की जय के नारे लगाते दिख रहे थे, जहां एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने उनका स्वागत किया। ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया है। अजय का अर्थ अजय, इसका अर्थ भगवान कृष्ण द्वारा जीवन और मृत्यु पर विजय प्राप्त करना भी है। इसराइल में फंसे कुल 212 लोगों को सुबह वापस लाया गया। ये पहला बैच है जिसने घर लौटने में सक्षम होने के लिए शुरू में तेल अवीव में भारतीय दूतावास में अपना पंजीकरण कराया था, जिसमें ज्यादातर छात्र हैं। विशेष विमान बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुआ, जिस पर हाल ही में हमला भी हुआ था। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसराइल से आए भारतीय नागरिक की अगवानी की और उनका स्वागत भी किया। इस बीच दूतावास ने शुक्रवार के लिए दूसरी फ्लाइट की भी घोषणा की। उन्होंने पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जाने के लिए ईमेल पंजीकरण भेज दिया है। कुछ खबरों की माने तो इसराइल में करीब 8,000 से 20,000 लोग रहते हैं। इनमें से कुल 7,000 लोग अकेले तमिलनाडु से हैं। विशेष ऑपरेशन अजय के तहत भारत ने युद्ध प्रभावित देश को एक विशेष चार्टर भेजा है, यानी कि इसराइल और हमास के बीच जो भीषण युद्ध जारी है, ऐसे में कई भारतीय नागरिक हैं जो इसराइल में फंसे हुए हैं। उन लोगों को, जिनके परिवार भारत में रहकर चिंता जता रहे हैं, उन लोगों को ऑपरेशन अजय के तहत वापस भारत लाया जा रहा है। आपको बता दें कि जब यूक्रेन और रशिया के बीच वॉर हुआ था, तब भी भारत ने ऑपरेशन गंगा चलाया था और 21वीं सदी का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन था। इसी कड़ी में ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है। इसका मतलब किसी भी परिस्थिति में विजय पाना।